समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। वेलकम गाइज, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो हमारी होने वाली है इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को। यूनिट 1 का नाम है सोसाइटी स्टेट एंड पॉलिटी इन इंडिया। अब बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया, पुराने जमाने में। जैसे आज इंडिया में 28-29 स्टेट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से पहले जैसे इंडिया ही एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, इंडिया का नाम अपनी तरफ से रख दिया था किंगडम्स ने। ठीक है, जैसे एक पूरा रशिया एक तरीके का स्टेट हुआ करता था पुराने जमाने में। तो वो कैसे, मतलब स्टेट फॉर्मेशन कैसे आया सामने, कि क्यों स्टेट को डिवाइड किया गया। ठीक है, चलिए। तो ग्रेटेस्ट इशूज इन पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा इशू रह चुका है, मतलब कि स्टेट आना जरूरी है, क्यों जरूरी है वो आगे देखते हैं। एंशिएंट इंडियन थिंकर्स भीष्म, नारद, कौटिल्य, बृहस्पति, कामंडका। तो इनको याद करने का तरीका है बन के बीके। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना, क्योंकि आप हर आंसर में इनको चेप सकते हो एंशिएंट इंडियन थिंकर्स के नाम से। ठीक है, भीष्म, नारद, कौटिल्य, बृहस्पति और कामंडका। अब गिव फोर इंपॉर्टेंट थ्योरीज, तो इन चार पांच लोगों ने मिलकर के चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी, जिनके बेसिस पे हम जानेंगे कि स्टेट कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी की। पहली थ्योरी हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी, ये ओल्डेस्ट थ्योरी मेंशन्ड इन अथर्ववेद। अथर्ववेद, चार वेद होते हैं। ठीक है, चार वेद में से अथर्ववेद में इसका जिक्र है। ओल्डेस्ट थ्योरी, ये बहुत पुरानी थ्योरी है। ये कहती क्या है, द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस एंड इट डिड नॉट ओरिजिनेट एट अ फिक्स टाइम। मतलब इनके सीधा कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन सभा बैठी, मीटिंग हुई और कहा गया कि नहीं अब स्टेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे जरूरतें पड़ती गई उस हिसाब से स्टेट फॉर्म हुए। जैसे सबसे पहले दो ग्रुप्स अगर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनमें अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हाँ वो अपना अलग किंगडम में रहेंगे, वो अपना अलग किंगडम में। सोर्सेस की बात हुई कि भाई कोई भी हमारे घर से पानी भर ले जा रहा है, हमारे घर का अनाज उठा ले जा रहा है, तो इसलिए स्टेट की फॉर्मेशन होगी कि वो यहाँ नहीं आ सकते, हम वहां नहीं जा सकते। तो समझे ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे। देखो, फैमिली रिलेशनशिप, तो जिसकी फैमिली जैसी है ना, जो अगर हमारी फैमिली है, हम जैसे मान लो कोई भी है, मिश्रा है। ठीक है, मिश्रा में क्या है कि मिश्रा फैमिली अलग रहेगी, ब्राह्मण फैमिली अलग रहेगी, और फिर जो सिंह वाली फैमिली है वो अलग रहेगी। इस तरीके से शुक्ला फैमिली, समझ रहे हो ना, कि सबका पार्टीशन, जैसे उनके उनकी फैमिली कितनी बड़ी होगी, है ना। एक फैमिली को देखोगे तो पूरा गांव बसा होता है एक फैमिली में, पूरे गांव में एक फैमिली बसी हुई होती। मतलब कहते हैं हमारे दादा हैं, वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे पड़ोसी भी हमारे दादा हैं। ठीक है, और फिर रिलीजन, रिलीजन रिलीजन के बेसिस पे अभी देखोगे, अगर गांव में देखोगे आप, नोटिस करोगे एक चीज, तो मुस्लिम्स अलग रहते हैं, हिंदूज अलग रहते हैं। ठीक है, ऑल्दो शहर में क्या है कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, आपके पड़ोसी मुस्लिम हो सकते हैं, मगर गांव में अगर आप नोटिस करोगे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपका पड़ोसी मुस्लिम हो। हाँ, ये फैक्ट है। तो रिलीजन वाइज भी कि हाँ, गांव को अगर डिवाइड किया जा रहा है तो इसे स्टेट को डिवाइड किया जाएगा कि इस स्टेट में हिंदूज रहेंगे, इस स्टेट में मुस्लिम्स रहेंगे। ठीक है, थर्ड है प्रॉपर्टी एंड डिफेंस। प्रॉपर्टी एंड डिफेंस का सीधा मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, डिफेंस का मतलब है अपने लोगों को सेव करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, समझे। तो प्रॉपर्टी एंड डिफेंस, जैसे ऐसा भी होता था कि किसी को कोई चीज की जरूरत पड़ी हो, सामने वाले के यहाँ से उठा ले आता था, है ना, बिना बताए उसे। तो उस केस में इस थर्ड वाले फैक्टर को लाया गया। फिर फोर्स, फोर्स एक ऐसा टॉपिक है, फोर्स मतलब आप जबरदस्ती किसी के स्टेट पे हमला करके उसको अगवा लो, ठीक है, उसको अपना बना लो। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि एक अच्छा से एक हायरार्की होगी कि भैया हम इनके अंडर काम करें, वो हमारे अंडर, तो काम जल्दी से रन करेगा, इकोनॉमी भी अच्छे से चलेगी उस स्टेट की, इसलिए भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आया। अब बात करते हैं फोर्स थ्योरी की। फोर्स थ्योरी क्या थी, ये सेकेंड थ्योरी थी
ठीक है। चार थ्योरीज थी हमारी ओरिजिन ऑफ स्टेट की। तो हमारी दूसरे नंबर वाली थ्योरी है नॉट गिवन बाय इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो उनके नाम आप यहां लिख सकते हो बनके बीके, ठीक है। कौन? भीष्म, नारद, कौटिल्य, बृहस्पति, कामंड का। बट फोर्स वॉज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। फोर्स का मतलब होता है कि जबरदस्ती, ठीक है। देखो अब अगले पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। स्टेट इज रिजल्ट एंड कंट्रोल ऑफ डोमिनेंस ओवर स्ट्रॉन्गर ओवर वीकर। डोमिनेंस ऑफ द स्ट्रॉन्गर ओवर वीकर। तो जो मजबूत है वो गरीब को, जो कमजोर है उसको नुकसान पहुंचा के, उसके ऊपर अपना जबरदस्ती का कब्जा करके स्टेट को जो टेक ओवर कर लें, वही फोर्स थ्योरी बताती है। फोर्स थ्योरी का मतलब है जो ताकतवर है वो गरीब से उसका हक छीन लेगा। अब देखो क्या होता था, इसकी कहानी आपको सुनाता हूं। फोर्स थ्योरी में क्या होता था कि ए और बी दो ग्रुप हैं, ठीक है। ए और बी दो ग्रुप हैं पीपल्स के, ये दोनों साथ में चलते हैं, घूमते हैं, अपना रोम करते थे। अब इनके पास जो जानवर रहते थे, डॉग तो नहीं रहता था वैसे, काउ, एलिफेंट, बुल, ठीक है। इनके पास भी काउस, बुल और एलिफेंट, ये तीनों चीज, तीनों जानवर इनके पास रहते थे। अब क्या हुआ, आपस में किसी एक में विवाद हो गया। ये इसका जो है, ये फ्रंट वाला, ये इसका लीडर है, ठीक है। और इसका लीडर ये है, एक काबिला है, समझ लो कि बी है, बी का लीडर ये है, ए का लीडर ये है। अब दोनों में कुछ बात विवाद हो गई, तो अब बी वाले की संख्या ज्यादा है, बी वालों ने हमला कर दिया इन पे, बी वालों ने हमला कर दिया इन पे और ये सब मारे गए। और मारे गए क्या कह सकते हो कि एक को इनको मार दिया, मान लो इसके लीडर को इन्होंने खत्म कर दिया। तो अब ये जो ग्रुप है इस पे टेक ओवर कर गया। ये जो चार लोग बचे, चार लोग इनके अंडर में काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो लीडर है जिसकी वजह से ये सब हुआ, इसको कल के नेता बना दिया जाता, नेता मतलब किंग, ठीक है, इसको किंग बना दिया जाएगा। दस फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट एंड स्टेट वॉज क्रिएटेड बाई वॉर्स। तो ऐसा कहा जाता है कि फोर्स थ्योरी कहती है कि जो स्टेट फॉर्म हुए वो वॉर्स की वजह से फॉर्म हुए, ठीक है। और यही आगे चल के राजा बन जाता है, ठीक है, किंग। आई होप सो इतना क्लियर है, ये फोर्स थ्योरी का टॉपिक था। अब बात करते हैं मिस्टिकल थ्योरी की। मिस्टिकल थ्योरी वैसे नाम से लग रहा है जादुई, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर थ्योरी इन एंशियंट इंडिया, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थ्योरी थी एंशियंट इंडिया में। थ्योरी ऑफ डिवाइन और डिवाइन थ्योरी, इसका दूसरा नाम डिवाइन थ्योरी है, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपका डिवाइन थ्योरी है। और इसमें कहा जाता है कि सोसाइटी इज क्रिएटेड बाई गॉड एंड गॉड सेंट किंग एज हिज रिप्रेजेंटेटिव। ये जो सोसाइटी है ये भगवान के द्वारा बनाई गई है और भगवान ने राजा को भेजा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। और कई बार क्या था कि ये लोग इसी राजा को ही भगवान मान लेते थे, ठीक है। किंग इज कंसीडर्ड एज गॉड। अब किंग के, जो किंग को गॉड ही कंसीडर करते थे, प्लस उसके पास पावर बनी रहे, उसके साथ कुछ बुरा ना हो, उसके लिए ये वाजपेयी एंड द हॉर्स सेक्रीफाइस, जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, ये आपने रामायण में देखा होगा जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और लौ और कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था। तो वही यज्ञ है ये अश्वमेध यज्ञ, जिसमें हॉर्स का सेक्रीफाइस किया जाता है, ठीक है। और वो जिसके पास जाता था उससे लड़ झगड़ के उसका राज्य छीन लिया जाता था, ठीक है। अब क्रिटिसाइज बाई वेस्टर्न एज वेल एज इंडियन स्कॉलर्स। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा भी। तो ये थी हमारी मिस्टिकल थ्योरी। मिस्टिकल थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब चारों थ्योरीज आपको पढ़नी है और मैं बता दे रहा हूँ आपको चारों थ्योरी। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नाम से क्या लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया ये काम आपको करना है, है ना। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी थ्योरी फॉर्म हुई थी। मोस्ट एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड थ्योरी, ये बहुत ज्यादा डिस्कस्ड थ्योरी थी। रेफरेंस कैन बी सीन इन ब्रह्मानिकल टेक्स्ट और अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अगर इनकी आपको लगता है कि झूठ है तो आप सच्चाई के लिए ब्रह्मानिकल टेक्स्ट और अर्थशास्त्र में देख सकते हो, इनका जिक्र है। और मैनी स्कॉलर्स एक्सेप्ट ओनली द बुद्धिस्ट सोर्सेस। हाँ, बुद्धिस्ट सोर्सेस में भी इसका जिक्र है, ठीक है। मगर अब जो स्कॉलर्स थे वो इसलिए बुद्धिस्ट सोर्सेस को मानते थे क्योंकि उसमें क्लियर कट अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसमें घुमा फिरा के बातें नहीं, उसमें क्लियर कट थ्योरी है। और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ डिवाइन थ्योरी, जो आपने ऊपर मिस्टिकल थ्योरी पढ़ी उसको भी मिक्स करके वो लोग बनाए थे। तो अब बात करते हैं कि ये थ्योरी स्टेट क्या करती। तो इट स्टेट्स दैट पर्सन्स मॉरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस आर डिपेंडेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अमंग देम टू फॉर्म द सोसाइटी इन विच दे लिव।
मतलब कि अगर आपको रहना है एक सोसाइटी में तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मतलब सोसाइटी का फॉर्मेशन ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ हो, ये ऐसा इस थ्योरी का मानना है। तो ये चार थ्योरीज थी, इवोल्यूशनरी, फोर्स, मिस्टिकल और कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती हैं। आई होप सो ये आपको तैयार हो गई होंगी, ये नोट्स बहुत रिफाइन करके बनाया हूं मैं, तो इनको आप ले सकते हो, देख सकते हो। चलिए अब सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किंगशिप इन एंशियंट इंडिया, किंगशिप का मतलब होता है राजत्व, मतलब राज्य में जो राजा है वही किंगशिप, किंगडम इज इक्वल टू किंगशिप, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन बॉडी पॉलिटिक, तो किंग जो होता है, राजा होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होता है, राजा के बिना राज्य अधूरा है। हेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट, तो जो किंग होता है, यहां पे किंग होना चाहिए था, किंग इज हेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ स्टेट, तो जो मुखिया होता है वो आपका किंग होता है। सो ये पॉइंट भी क्लियर है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ किंगडम फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहर वाले राज्य वाले अगर वो हमला करते हैं तो हमें उनसे बचाने के लिए हमारा राजा सामने आएगा, स्ट्रेटजी बनाएगा और फाइट करेगा। सेकेंडली प्रोटेक्शन ऑफ किंगडम कस्टम, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ किंगडम कस्टम बाय इंटरनल फोर्स, मतलब ये नहीं कि अगर हिंदुइज्म ज्यादा है तो मुस्लिम को डिप्रेस कर दें, या मुस्लिम ज्यादा है तो हिंदुइज्म को डिप्रेस कर दें, उनके कल्चर को खा जाएं, उनके ट्रेडिशन को खा जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए राजा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जगह पर काम करता था। ही प्रोटेक्टेड प्योरिटी ऑफ क्लास एंड कास्ट, वो कास्ट को प्रोटेक्ट करता था, कास्ट और क्लास को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ फैमिली सिस्टम्स को भी प्रोटेक्ट करता था, हर एक घर को डिफेंस मिलेगा, एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर को ऐसे आप कह सकते हो कि रिच जो है वो और गरीब ना हो, ठीक है, रिच को बचाता था ऐसे कि वो चोरी का शिकार ना हो, और पुअर को ऐसे बचाता था कि जो बड़े लोग हैं उस पर अत्याचार ना कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं, रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड बाई लिबरल ग्रांट्स टू लर्न ब्राह्मिन्स एंड टेम्पल्स, तो जो रिलीजन थे वो पुराने टाइम में पंडित्स मतलब ब्राह्मिन्स और मंदिर में प्रोटेक्ट किए जाते थे, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, बहुत ही ज्यादा उनको ज्ञान होता था। और जो छठवां है, छठवां पॉइंट है चक्रवर्ती, जो कि एक राजा का गोल होता था, मतलब एक राज जैसे होता नहीं कि मुझे पूरे, जैसे KGF आपने देखी होगी तो मुझे पूरे दुनिया पे राज करना है, तो उसी तरीके से एक राजा का भी गोल होता है कि मुझे पूरे टेरिटरी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज करना है, ठीक है, तो वही चीज है चक्रवर्ती, तो हर एक राजा का गोल होता है चक्रवर्ती बनना। चलिए अब इतना था, आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी पॉलिटिक, तो बॉडी पॉलिटिक की ये भी बहुत ही ज्यादा वाइटल ऑर्गन है, मतलब अगर आप राजा हो तो आप हर एक फील्ड में तो उतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते, उसके लिए आप मिनिस्टर्स रखोगे, जो मिनिस्टर्स एक एक फील्ड में एक्सपर्ट होंगे और वो आपको एडवाइस देंगे कि राजा जी ये करो, राजा जी वो करो, और आप वो करोगे, ठीक है। चलिए मिनिस्टेरियल काउंसिल, इसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आती है। किंग वॉज सपोज नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ काउंसिल, देखो ऐसा सिर्फ कहा जाता है कि किंग को ऐसा कहा जाता है कि उसको कुछ करने की इजाजत नहीं थी, अनटिल एंड अनलेस जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो उसको बताएं कि ये सही है या नहीं, ये गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। मगर ऐसा कुछ था नहीं, राजा कई बार डिसीजंस लेते थे और वो गलत डिसीजंस लेते थे अपने ईगो में आके, अपने एटीट्यूड में, और फिर उसका रिजल्ट उनको देखने को मिलता था, तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किंग वॉज सपोज नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ काउंसिल, ओके, हु कुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खहरा नहीं हो सकता, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने के लिए आपको विजडम, प्योरिटी ऑफ पर्पस, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, और बहुत ज्यादा दिमाग, उसके साथ बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनोगे, यही एक इसका क्राइटेरिया है। साइज कितना रहता है, तो 7 से लेकर 37 लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते थे, जो कि अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते थे। बॉडी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी ये 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, पहला था कि मंत्रणा और दूसरा था मंत्रिपरिषद। तो मंत्रणा में क्या था, स्मॉलर बॉडी कोर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 4-5 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते थे जो कोर रहते थे, ठीक है, उनको कोर ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्टर कहा जाता, ठीक है। फ्यू इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, तो पुरोहित, सेनापति और युवराज, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे,
और मंत्रिपरिषद में बात करें तो ये लार्ज बॉडी थी, ठीक है, मॉडर्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसमें सारे मिनिस्टर्स आते थे, इवन ये सब भी इसमें काउंट कर लिए जाते थे, ठीक है। अब ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड पर्पज क्या था इनका, एडवाइज द किंग नॉट टू गवर्न बट इट वॉज नो मेयर रबर स्टाम्पिंग बॉडी। मतलब देखो, ऑल दो किंग को एडवाइज करना था मगर गवर्न नहीं करना था, कि अब जैसे कहा कि राजा जी आप यहाँ पे युद्ध नहीं करना है आपको, और राजा ने कहा नहीं मैं करूंगा, और राजा ने किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको ये एडवाइस करें और गवर्न भी इनकी बात मानी ही जाए, ऐसा भी नहीं था। मगर ऐसा भी नहीं था कि बस ये एक रबर स्टैम्प थे, ये डिसीजंस भी लेते थे, कई बड़े बड़े डिसीजंस। कब, इट माइट ट्रांजैक्ट बिजनेस इन द किंग्स एब्सेंस, अगर राजा कभी वैकेशन पे गया है, कहीं दूर राज्य घूमने गया है, शिकार करने गया है, और कोई बहुत बड़ा मुद्दा आता है तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टॉपिक। अब बात करते हैं कौटिल्या सप्तंगा, द सेवन लैम्प्स, ठीक है। इसमें भाई साहब मैं आपको इतनी चीजें बता रहा हूँ, यहीं से क्लियर कर दूंगा, बट आपको पढ़ना है, ये क्वांटम से पढ़ना है, ठीक है। क्वांटम आपको देखना है इसके लिए, क्योंकि इसमें नोट्स नहीं लिखी है, बट मैं समझा रहा हूँ। जैसे स्वामी जो कौटिल्य सप्तंगाज है, मतलब कि सेवन लिम्स कौन कौन से होने चाहिए एक स्टेट में, तो पहला है स्वामी, स्वामी मतलब किंग, ठीक है, द रूलर। तो बिना स्वामी के संसार कहाँ चलेगा, ठीक है, तो स्वामी का होना बहुत जरूरी है, द रूलर, और उसके पास सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। और हाँ, एक और कंडीशन थी कि वो इसी धरती पे जन्मा हुआ हो, मतलब इसी राज्य में, दूसरे राज्य वाला नहीं हो सकता, ठीक है। और उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, मतलब कह सकते हो फाइटिंग स्किल से लेकर के एजुकेशनल स्किल्स तक हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके इसमें। आमत्य, सेकंड पॉइंट है आमत्य, तो द मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपने पढ़ा है वही आमत्य में आ जाते हैं, और इसमें आपके जो आमत्य रहेंगे इनका काम रहता है कि ये राजा को सजेशन दें, टैक्सेस कलेक्ट करें, और नए नए विलेज और सिटीज को बनाएं, ठीक है, डिफेंस को और स्ट्रांग करें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं आपके। जनपद, जनपद द पॉपुलेशन, मतलब हम लोग जो प्रजा रहती थी, ठीक है, प्रजा जो रहती है वो आती है जनपद में। तो जनपद का क्या काम होता है कि वो एक तरीके से लॉयल होने चाहिए किंग की तरफ, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, डिसिप्लिन होने, रिलीजियस होने चाहिए, और अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दांव पे लगाने के लिए रेडी होने चाहिए, और उनको टैक्सेस भी हर वक्त सही टाइम पे देना है, और साथ ही साथ खुश रहना है, ऐसा माना जाता था एंशिएंट टाइम। अब बात करते हैं दुर्ग, ये दुर्गा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, दुर्ग है, तो द फोर्टिफाइड कैपिटल्स, तो ये जो हमारी हमारा राज्य है इसको फोर्टिफाइड कैपिटल्स, मतलब इतने सारे फोर्ट्स होने चाहिए यहाँ पे, जिससे हम अपने डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। हिल्स, माउंटेन्स, डिजर्ट्स, और बड़े बड़े वाटर बॉडीज, हब कुछ होने चाहिए, ठीक है, और एक तरीके से गैरिजन सोल्डर्स, स्टोर फूड ग्रेन, एमरजेंसी फूड का मतलब होता है कि आप कितना कलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपके पास हथियार भी होने चाहिए, वो एक अच्छी जगह पे रखे होने चाहिए, और नए नए फोर्ट्स बनाते रहना है आपको। फिर कोष, कोष का मतलब होता है द ट्रेजरी, तो ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, जहां से वो राजा निकालता है ना, ये लो 100 मोहरे अपना इनाम, वही होता है फोर्ट, सॉरी ट्रेजर। तो ट्रेजरी का मतलब कि आपके पास जो ट्रेजरी होना चाहिए वो अच्छा खासा होना चाहिए, ये नहीं कि आप लुटा के बैठे हुए पूरा, और जैसे लोगों की सैलरी देनी होगी, है ना, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सैलरी देनी होगी, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे, तो उस केस में आपका ट्रेजरी फुल होना चाहिए, और इसको आप इंक्रीज करने के लिए टैक्सेशन और जो दूसरे एनिमी स्टेट्स हैं उन पर हमला करके उनको लूट सकते हो, ये वैलिड था, ये लीगल था, ठीक है। अब बात करते हैं दंड, तो दंड हमारी आर्मी होती है, और आर्मी को रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, लार्ज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, और जो सोल्जर्स होते हैं उनको उन्हीं फैमिली से रिक्रूट करना चाहिए जिनका मिलिट्री बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बाप का खून बेटे में, तो उसी तरीके से। और राजा ये भी इंश्योर करता था कि उसकी फैमिली का फुल अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए, उनको सैलरीज मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले, और उनको अदर अलाउंसेस भी मिले, तो ये आपका डन में आ जाता है। और लास्ट है मित्र, जिसका मतलब है एलाई एंड फ्रेंड, तो एक जीवन में फ्रेंड की कितनी इम्पोर्टेंस है वो आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो फ्रेंड की इम्पोर्टेंस यही रहती थी उस टाइम पे
कि एक तरीके से जब भी वो इमरजेंसी में हो इनके मित्र, तो उनको तो जब भी लड़ाई होती थी तो फ्रेंड्स आ जाते थे, ठीक है, और साथ ही साथ इनको गिफ्ट्स और सरप्राइजेस भेजते रहना था ताकि इनकी फ्रेंडशिप हमेशा अच्छी रहे। और साथ ही साथ फ्रेंडशिप से जो कह सकते हो कि फॉरेन ट्रेड व्यू पॉइंट है वो मजबूत होता था। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि इसमें आते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया एंड पुरुषार्थ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में चार वर्ण होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो ये चार वर्ण होते हैं, लाइफ ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड इन फोर स्टेजेस, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो, जिसको आश्रमास भी कहते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ लाइफ वॉज टू अटेन फोर गोल्स। तो हर एक चीज चार चार है, ठीक है, तो फोर गोल्स, और जिनको हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ क्या था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोशल एथिक्स, ये कॉन्सेप्ट था। मीनिंग क्या था? अटेनमेंट और लाइफ परजेस, ठीक है। और फोर पुरुषार्थ की बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो नंबर वन पे होता है आपका धर्म, धर्म आपका रिलीजन नहीं, ठीक है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, बल्कि यहाँ पे धर्म वो होता है कि आप एक्चुअल कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। धर्म कहते हैं ना कि ये मेरा धर्म है, जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं और बोलता है यार आप क्यों हेल्प कर रहे हो, तो कहते हैं मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। तो वो धर्म वो फर्ज, ठीक है। तो सुप्रीम ऑफ पुरुषार्थ, मतलब जो पुरुषार्थ के चार में से नंबर वन पे ये सुप्रीम है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इसके बिना इंसान की लाइफ अधूरी है। धर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकेंड है ट्रुथ, राइट वे ऑफ लिविंग। तो हम बात कर रहे थे ट्रुथ, राइट वे ऑफ लिविंग, तो ये सत्य है, जीवन जीने का तरीका है। तो इसमें क्या है? बीइंग कॉन्सियस इन योर एक्शंस, वर्ड्स एंड थॉट्स। आपको अपने एक्शंस के प्रति कॉन्सियस रहना है कि आप अनजाने में भी किसी का गलत ना करें, ठीक है। सेकंड है वर्ड्स, आप जो बोल रहे हैं उस पे आपका ध्यान होना जरूरी है। थर्ड है आपके थॉट्स, आपके विचार कैसे हैं, किसी दूसरे के प्रति आप कितना अच्छा सोचते हैं और कितना बुरा सोचते हैं। अब आगे बात करें तो हैविंग कंपैशन एंड सेंसिटिविटी टू नीड्स ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरे हैं उनके प्रति भी हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उनके जो जरूरतें हैं उनको जो हेल्प चाहिए वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। बींग अवेक टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन विद इन यू, अपने अंदर अपने प्रति कॉन्शियस रहना, अपनी लाइफ स्टाइल को हमेशा देखते रहना और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, दिस इज धर्म, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड, जो कि पुरुषार्थ आपका, जो कि है अर्थ। अर्थ का मतलब है रिफर्स टू वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, ठीक है। तो ये आपके प्रॉस्पेरिटी, आपके पास धन क्या है, आपकी जरूरतें क्या हैं और आपके पास है कितना, अर्थ मतलब प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ। थर्ड क्या है? बेसिस ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स एंड दैट सोशल वेलबींग्स डिपेंड्स अल्टीमेटली अपॉन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। देखो धर्म होना जरूरी है, अगर आपके पास धर्म है तो डेफिनेटली आपको अर्थ मिलेगा, ठीक है। अर्थ फिर आप कहाँ से कैसे लाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अर्थ के बिना आपकी लाइफ इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं होने वाली है, इसलिए पैसे कमाना होना चाहिए, ठीक है, गोल। सेकेंडली क्या है? इंडियन थिंकर्स हैड रिकग्नाइज्ड द परस्यूट ऑफ वेल्थ एज अ लेजिटिमेट ह्यूमन एस्पिरेशन। तो ह्यूमन की एस्पिरेशन यही है ना कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, फिर वो मटेरियल थिंक ज्यादा होती है ना। एक तो धर्म, धर्म के लेवल पे आप कितने कॉन्शियस हो, उसके बाद मटेरियल थिंग में आपको क्या चाहिए, उस बेसिस पे आप क्या कर रहे हो। तो ये लेजिटिमेट नीड है जो कि मानी जाती है इंडियन थिंकर्स के द्वारा, और सही भी है। बट अर्थ मस्ट बी एक्वायर्ड बाय राइट मीन्स, एग्जैक्टली। ये नहीं कि आपको जो चाहिए आप चोरी कर रहे हो, आप डकैती कर रहे हो, ये चीज नहीं होना चाहिए। सही तरीकों से आपको पैसे कमाने हैं, वेल्थ बनानी है, प्रॉस्पेरिटी बनानी है, ठीक है। थर्ड है काम, काम जिसे कहते हैं वर्ल्डली प्लेजर्स और सेंसुअल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर्स। तो यार काम का सीधा मतलब होता है सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर्स। मगर ये अभी आप समझो, आपने काम सूत्र सुना होगा, बहुत सारे काम, ठीक है। तो काम का मतलब वही नहीं होता है, और भी कुछ होता है, वो आगे हम देखते हैं। वर्ल्डली प्लेजर्स और सेंसुअल प्लेजर्स और इनेट डिजायर्स एंड अर्जेस इन ह्यूमन बींग्स, जो जो इंसान के अंदर फीलिंग होती है हैप्पीनेस की,
है ना, जो सैडनेस की फीलिंग होती है वो सारी काम में आ जाती हैं। इन नैरो सेंस कामा मींस सेक्सुअल प्लेजर्स। एक छोटी सोच के लिए या एक छोटे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर से दिखाई देगा, मगर एक वाइडर सेंस से जब आप देखोगे तो इट इन्वॉल्व सेक्सुअल इमोशनल एस्थेटिक लाइफ ऑल टुगेदर। ठीक है, इमोशनल और एस्थेटिक भी इसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मोक्ष की। तो मोक्ष मतलब दुनिया से, दुनिया के मोह माया से परे, वही स्टेज आपकी मोक्ष कहलाती है। अल्टीमेट पुरुषार्थ, ये लास्ट पुरुषार्थ और अल्टीमेट पुरुषार्थ भी कहा जाता है। सेल्वेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब आप डेथ और बर्थ के साइकिल से मुक्त हो जाओ। ठीक है, कहते हैं ना कि इंसान 14 करोड़ या 14 लाख योनियों में जन्म लेता है, तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया कि इससे आप फ्री हो जाओ। और जब फ्री हो जाओगे तो मजा आएगा। आपने जो कहानी सुनी होगी, आपकी मम्मी ने सुनाई होगी आपके बचपन को, कि जब हम मर जाते हैं तो हमको कड़ाही में, अगर हम बुरे काम करते हैं तो तेल में हमको तला जाता है, फिर हमारे पार्ट्स कट किए जाते हैं, उंगली कट की जाती हैं, तो उन सबसे मुक्त होना। वैसे उस कहानी झूठ थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओवरकमिंग इग्नोरेंस एंड डिजायर्स। तो देखो, मोक्ष का मतलब यही नहीं कि आप मरने के बाद ही मिलेगा, आपको पहले भी मिल सकता है। कैसे? ओवरकमिंग इग्नोरेंस एंड डिजायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाएं नश्वर होती हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, और इनसे मुक्त हो जाना ही बहुत बढ़िया चीज होती है। मगर ये सारे ज्ञान अभी मत अप्लाई करना, एक स्टेज आएगी वहां पे अप्लाई करना, क्योंकि अभी आपको मोक्ष प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, समन बोनम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो समन बोनम का मतलब होता है कि जो एक्सट्रीम गुड होता है, जो अच्छाई होती है, उसकी टॉप मोस्ट लेयर जिससे और अच्छाइयां डिप्राइव्ड होती हैं, उसको पाना। ठीक है, तो कह सकते हो मोक्ष मतलब फ्रीडम। ठीक है, दैट इज व्हाट हियर इट इज टॉट। चलिए अब बात करते हैं छठवां पॉइंट, जो कि वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम क्या होता है? वर्णाश्रम सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया। तो हमारे वर्ण, जो कि हमने पहले भी बात किया था कि चार वर्ण होते हैं, तो चार वर्ण में कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या होता है, हम ये सब जानेंगे। आज के जमाने में भी ये एप्लीकेबल हैं और चल भी रहे हैं, जो कि उतने कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ब्राह्मिन्स। ब्राह्मिन्स क्या होते हैं? ये टॉप ऑफ वर्ण हायरार्की, ये एकदम टॉप पे होते हैं, और इनको डिवाइन एग्जिस्टेंस कहा जाता है, कि भगवान के रूप होते हैं, और भगवान के प्रति इनको देखा जाता है कि ये मंदिर वगैरह संभालते हैं। ठीक है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टॉर्चर, एग्जीक्यूशन और कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो ये पुराने जमाने की बात की जा रही है, कि उस टाइम पे इनको टॉर्चर से, एग्जीक्यूशन से, कॉर्पोरल पनिशमेंट से दूर रखा जाता था, इनसे टैक्सेस नहीं लिए जाते थे, इनकी जिंदगी बिंदास होती थी। ओके, और चौथे पॉइंट की बात करें फंक्शंस, तो इनका फंक्शन क्या थे, इनके फंक्शन क्या थे? पहली चीज, मंदिर को संभालना, जिसमें इनको लर्निंग करानी है, टीचिंग करनी है, और प्रीस्टहुड करना है। प्रीस्टहुड का मतलब पादरी, जो कि चर्च में होते हैं बट मंदिर में हमारे पंडित लोग होते हैं, तो वही चीज है, उस चीज को यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है। अब क्षत्रिय की बात करते हैं, तो क्षत्रिय में कौन कौन आते हैं और क्या होता था? तो ये रूलिंग क्लास थी। रूलिंग क्लास मतलब जो राजा महाराजा होते थे वो इसमें आते थे। ठीक है, और सेकेंडली बात होती है रिप्रेजेंट हीरोइज्म, करेज एंड स्ट्रेंथ। तो भाई जब कहते हैं कि सिंह जो होते हैं, ठाकुर जो होते हैं, हीरो होते हैं यार, वो बिल्कुल हीरो हैं। जितने ठाकुर हैं, जितने ठाकुर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तुम हीरो हो यार। ठीक है, और रिप्रेजेंट हीरोइज्म, करेज एंड स्ट्रेंथ। तो ये बहुत ही बहादुर होते हैं, क्षत्रिय का खून, वाह वाह। चलिए, हीरोइज्म और करेज एंड स्ट्रेंथ। ड्यूटी, तो इनकी ड्यूटी रहती थी प्रोटेक्शन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वही जो राजा का काम रहता था। इंटरनल मतलब कि बीच में किन्हीं दो धर्मों के बीच में युद्ध ना हो रहा हो, किन्हीं दो धर्मों के बीच में लड़ाई ना हो रही है, उससे बचाना, और साथ ही साथ एक्सटर्नल, अगर कोई बाहर से हमला कर रहा है तो उसको मिट्टी में मिलाना, इनका काम था। हैड राइट टू पजेस आर्म्स, तो ये ऐसे हैं जिनके पास हथियार होते थे, आज भी होते हैं यार। ठीक है, और बस इतना ही कुछ है इसमें। अब बात करते हैं वैश्य। तो वैश्य कौन होते हैं? ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल क्लास, ये ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कॉमर्शियल क्लास में इन्वॉल्व होते हैं, जो बिजनेस करते हैं। ठीक है, पजेस एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ ज्वेल्स, मेटल्स, क्लोथ्स, थ्रेड, स्पाइसेस, परफ्यूम्स। तो इनको जो नॉलेज है इन सारे फील्ड में, मतलब सोने चांदी, मेटल, क्लोथ, थ्रेड, स्पाइसेस और परफ्यूम्स, बहुत होता है। और इनको लास्ट में एंशियंट इंडियन बिजनेसमैन के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए अब लास्ट वाले की बात कर लेते हैं कि शूद्रास कौन लोग थे और वो क्या थे। तो शूद्रास जो थे एट द बॉटम ऑफ हायरार्की, इनको सबसे निचले वाले स्थान पे रखा जाता था और इनका काम रहता था कि ये तीनों वर्णास को सर्व करें, ठीक है, डिप्राइव्ड फ्रॉम वेरियस राइट्स, और जितने टॉर्चर होते थे और जितने एग्जीक्यूशंस होते थे, कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी, टैक्सेस लेना सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ होता था, इनको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलती थी, ये कुछ चीजें थी जो पास्ट में थी। अब बात करते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की, जो कि आश्रम और स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भयंकर लग सकता है, वैसे आसान है यार, मतलब मैं हूं ना। तो इंडिविजुअल क्या है, 100 ईयर्स पहले ऐसा माना जाता है कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल 100 साल जीता है, 100 में से उसके पार्ट को हम लोग 25 25 25 25 में हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 25 में जो 100 हो जाती है। तो पहले 25 साल वो उस स्टेज को हम कहते हैं ब्रह्मचर्य स्टेज, मतलब स्टूडेंटशिप। तो पहली स्टेज हम लोग इसको स्टूडेंटशिप कहते हैं, जब आप एक स्टूडेंट रहते हैं, मतलब 1 साल से लेकर के 25 साल तक आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर है तो आप यहाँ गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, अगर आप लोग हो गए हैं 25 के तो शादी कर लीजिए, मेरा सजेशन यही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, तो पहली स्टेज आपकी ब्रह्मचर्यशिप हो गई और ब्रह्मचर्य हो गई और स्टूडेंटशिप और एक्वायरिंग नॉलेज, डेवलपिंग डिसिप्लिन, मोल्डिंग कैरेक्टर। तो इसमें आपको नॉलेज लेना है, साथ ही साथ डिसिप्लिन डेवलप करना है और उसके बाद अपने कैरेक्टर को मोल्ड करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और तीसरा है स्टार्ट्स विद सेरेमनी कॉल्ड उपन्यनामा, ठीक है, ये एक सेरेमनी से स्टार्ट होती है उपन्यनामा। तो उपन्यनामा में क्या रहता था, आपको एक थ्रेड पहनाया जाएगा और उस बेसिस पे, उसको थ्रेड सेरेमनी भी कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप एक स्टूडेंट हो जाते हो। अब बात करते हैं हम लोग चौथा पॉइंट जो कि है ब्रह्मचारिणा स्टूडेंट एट होम ऑफिस टीचर। तो ये यहाँ पे आप ब्रह्मचारिणा हो जाते हो और आपको गुरुकुल जाना पड़ेगा जहां पे गुरु रहता है, मतलब स्टूडेंट एट होम ऑफिस टीचर। तो टीचर के घर में ही, घर मतलब जो गुरुकुल रहता है, वहीं पे आप एक स्टूडेंट के भांति वहां पे शिक्षा ग्रहण करोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड 25 ईयर्स की, जब जिसका नाम है गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम इसको हम अगर कहते हैं कि स्टेज ऑफ हाउस होल्डर। यहाँ पे ये शुरू होता है, स्टार्ट्स एट मैरिज, रेडी टू टेक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप 25 साल के हो जाते हो तब आपकी शादी की उम्र हो जाती है और आप एक घर संभालने के काबिल हो जाते हो। साथ ही साथ ये ऐसा टाइम है जहां पे आप पैसे कमाने लगते हो, ठीक है, ये नहीं कि अभी पैसे नहीं कमा रहे और शादी के लिए पहुंच जाओ, ऐसा भी नहीं। तो गेट्स मैरिज, एंड्स मनी, बिगेट्स चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों को भी पालना है आपको इसी में। तो ये आपका 25 से 50 हो जाएगा, आप वहां पे अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है, ये 1 से 25 25 से 50। और परस्यूज अर्थ एंड कामा विद इन द लिमिट्स ऑफ धर्म। तो अर्थ मतलब वेल्थ और कामा मतलब सेक्सुअल प्लेजर्स विद इमोशनल एंड एस्थेटिक्स। तो ये सारी चीजें आपकी कामा में आ जाती है विद इन द लिमिट्स ऑफ धर्म। तो धर्म के लिमिट में रहते हुए आपको ये दोनों चीजें प्राप्त करनी है। चलिए अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। तो थर्ड 25 ईयर्स जो कि आपका 50 से 75 शुरू होता है, वो होता है वानप्रस्थ आश्रम, जो कि रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ, मतलब 50 तक आपने जी लिया अच्छे से, 50 से 75 आपको रिटायरमेंट ले लेनी है। किससे? डिस्चार्ज ऑल ड्यूटीज एज अ हाउस होल्डर, एंटर्स वानप्रस्थ स्टेज, मतलब आपको एक गृहस्थ जीवन को छोड़ करके वानप्रस्थ में एंटर करना है। और इसमें क्या है, डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन। वैसे आज के अगर टाइम में देखोगे तो स्पिरिचुअल आज भी चल रहे हैं, मतलब वो आपके फर्स्ट 25 ईयर्स में भी सिखाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको टोटली, है ना, 50 से 75 के बीच में आपको टोटली स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन में जुड़ जाना है, ऐसा था उस टाइम का जीवन। लीव्स हिज होम, गोज टू फॉरेस्ट टू बिकम हर्मिट। हर्मिट मतलब साधु, ठीक है, तो अपना घर छोड़ करके, त्याग करके फॉरेस्ट चला जाता था और वहां पे एक तपस्वी बन जाता था, ठीक है। तो ये आपके 50 से 75 के बीच में है। और लास्ट वाला अगर हम लोग देखें, फोर्थ 25 ईयर्स, जो कि आपका 75 से 100 के बीच में आता है। अगर इतने दिन आप जिंदा रहते हो तो बहुत ब्लेस्ड हो यार आप, मुझे नहीं लगता इतना आज के टाइम पे, आई थिंक 80 इज द लास्ट टाइम, ठीक है, जहां पे आप निपट जाओगे। 80 से पहले पहले जो जीवन जीना है आप जी लेते हो। और फोर्थ
जो कि 25 ईयर्स, ये होता है संन्यास आश्रम। मतलब अब आपको तपस्वी वाला जीवन भी छोड़ देना है, संन्यास ले लेना है हर एक चीज से, स्टेज ऑफ रेनन्सिएशन और लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, और उसके बाद लीव्स हिज हर्मिटेज, मतलब अपना साधु पना छोड़ के, अपना तपस्वी जीवन छोड़ करके, एंड बिकम्स अ होमलेस वॉन्डरर, मतलब आप फिर भटकते रहो, ठीक है, इस पूरी धरती पे, इस पूरी दुनिया में कहीं भी घूमते रहो बिना घर बार के। और साथ में सन्यासी एस्पायर्स एंड एक्ट्स टू अटेन लिबरेशन ओनली, तो अब अल्टीमेट गोल इसका लिबरेशन रह जाता है और उसको से अचीव करना रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं आठवां क्वेश्चन जो कि हमारा है, मैरिज इन एंशियंट इंडिया। तो पुराने जमाने में विवाह कैसे होते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही आप लोग एक्साइटेड हो गए इस टॉपिक के लिए, चलिए शुरू करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार इन एंशियंट इंडिया, ये एक संस्कार माना जाता था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके तीन मेन पर्पस है। पहला, प्रमोशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन को प्रमोट करना है। अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू वाले शादी करेंगे और रिलीजन को प्रमोट करेंगे, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम से शादी करेंगे और रिलीजन को प्रमोट करेंगे, अगर आप सिख हैं तो सिख से शादी करेंगे, और आप इंटरकास्ट भी कर सकते हो बट यहां पर रिलीजन को प्रमोट करना है, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रोगेनी, आपके क्वांटम में प्रोगेंसी दिया गया है जो कि गलत है। प्रोगेनी कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली लाइन और कुला, तो प्रोगेनी का मतलब होता है बाप बनने वाली खुशी, ठीक है, बाप या माँ बनने वाली खुशी, उसको हम लोग प्रोगेनी कहते हैं। और कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली लाइन और कुला, तो फैमिली लाइन जो है कुल, कुल आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब आप अभी अगर आप मौर्य हो, ठीक है, तो मौर्य वंश में अभी आप हो, आपके बाद जो है आपका बेटा रहेगा, उसके बाद उसका बेटा रहेगा, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ कुल, आपकी क्या कहते हैं उसे, पीढ़ी, पीढ़ी को आगे बढ़ते रहना है। और फिर रति और सेक्सुअल प्लेजर, तो ये जब होगा तभी सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए अब इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, चलिए अब बात करते हैं थर्ड, एट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। तो एट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, पैसच, अरे यार अजीब अजीब नाम है, पैसचा विवाह, अर्स विवाह, अर्स विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह। तो ये आठों याद कर लेना है, याद करने के लिए भाई साहब जब आप शादी करोगे तो आपका बच्चा होगा, और बाय डिफॉल्ट अगर आपने सिगरेट, या सिगरेट तो नहीं, आप थोड़ा गरीब हो, आप वो 3 रुपए वाली वो जो बीड़ी आती है, सईद बीड़ी, आप वो खरीदते हो और पीते रहते हो, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, आपने पैंट वाली पॉकेट में रखा और आपका बेटा वहां था, उसने देखा कि पापा के पैंट से बीड़ी गिरने वाली है, उसने कहा पापा बीड़ी गिर रही, ठीक है। तो उस तरीके से याद कर लो, पी से आपका प्रजापत हो गया, ए से असुर हो गया, पी से पैसच हो गया, ए से अर्स हो गया, बी से ब्रह्म हो गया, डी से देव हो गया, और जी से आपका गंधर्व हो गया, और आर से आपका राक्षस हो गया। तो समझ लेना, आप अपने बच्चे के नाम से याद रखिएगा, पापा बीड़ी गिर रही। तो ये आपके 8 टाइप के विवाह हो गए। और अब बात कर लेते हैं लास्ट, हाँ मेरा एक और सजेशन है, जो पुराना टॉपिक है जो हमने 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस पढ़ी, उनको आप एक बार पूरा उसमें से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से क्लियर हो जाएगा। उसमें बहुत छोटे छोटे लाइनें दी हैं इसीलिए उसको डिस्कस नहीं किया, वहां पे अगर आप नाम भी लिख दोगे तो काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। चलिए फोर क्लास क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ये अबुल फजल में और एन की अकबरी, ठीक है, एन ई अकबरी, इन दोनों में आपको इसका जिक्र मिलेगा। डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 क्लासेस, इसमें वैरियर्स आते हैं जो कि नेचर ऑफ फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे नंबर पे आर्टिफिशर्स एंड मर्चेंट्स आते हैं जो कि एयर के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड पे आते हैं द लर्न्ड, रिजेंबल वाटर, और फोर्थ पे आते हैं हस्बैंडमैन एंड लेबरर्स जो कि कंपेयर टू अर्थ। तो ये भी क्वेश्चन आप क्वांटम से पढ़ लेना, इसका क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रिक की अगर बात करें तो ट्रिक आपकी यहाँ पे हो जाएगी WHAT, ठीक है, व्हाट, वैरियर, एच से हस्बैंडमैन वाला टॉपिक, और ए से आपका आर्टिफिशियस, और टी से द लर्न्ड, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है इस बार, ठीक है। स्लेवरी इन एंशियंट इंडिया, तो कौन कौन से मतलब स्लेवरी होती क्या थी, तो स्लेवरी का अगर सीधा सिंपल पूछा जाए मतलब क्या होता है, तो दास वो लोग होते हैं जिनका काम होता है फिनिश और टर्मिनेट समथिंग, जिनका काम ही होता है काम को खत्म करना, ठीक है, उनको दास कहा जाता है।
एसोसिएटेड विद स्लेव्स बिकॉज देयर वर्क वॉज टू फिनिश वेरियस जॉब्स, यही पॉइंट है, कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट लिस्टेड एज गिफ्ट आइटम्स। तो बहुत ही दुर्गति होती थी इनकी, पुराने जमाने में इनको बंधक बना के रखा जाता था, इनसे काम करवाया जाता था, इनको बिना पगार दिए, हाँ हालांकि खाना वगैरह दिया जाता था बट वो भी कुछ खास नहीं, ठीक है। स्लेवरी वाली लाइफ इज द हार्डेस्ट लाइफ। फिर अगर आप कोई एक पंछी को पिंजड़े में कैद करके रखेंगे तो उससे बेटर कोई नहीं जानता है। कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट की तरह रखा जाता था, और लिस्टेड एज गिफ्ट आइटम्स। जब भी बड़े बड़े राज्यों में इनका आदान प्रदान होता था कि जैसे कुछ उनके कोई फंक्शन है तो 100 स्लेव्स को, 100 दास को उनको भेज दिया जाता था कि वहां पे काम करेंगे, ठीक है। कई बार इनको वॉर से कैप्चर किया जाता था, तो वही चीजें होती। और सबसे बुरी बात ये थी कि स्लेव में कोई नहीं बचता था, उसमें छोटे बच्चे भी रहते थे, औरतें भी रहती थी, और बूढ़े बड़े सब रहते थे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क। तो डोमेस्टिक कोर्स ऑल्सो हेल्पर्स फॉर एग्रीकल्चर, तो इनका काम रहता था घर के काम में हेल्प करना, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी हेल्प करना। लोअर पोजीशंस देन इवन द सूत्रास, तो जो सूत्र थे उनसे भी इनकी पोजीशन नीचे थी। मतलब उस इंसान का जीवन ही नहीं है यार जो किसी दूसरे की गिरफ्त में है, ठीक है। तो वही चीज है। अब बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के टाइम की। तो यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश एंड एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन था, मतलब लीगल था, मौर्यन एम्पायर में बहुत ज्यादा लीगल था। अप्रोक्सीमेटली 8 or 9 कैटेगरीज ऑफ स्लेव्स थी, कैटेगरीज बनी थी स्लेव्स में कि ये काम करेंगे, ये वाले काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेब्ट्स कंटिन्यूड टू रिमेन वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड स्लेवरी। तो एक बहुत बड़ा रीजन जो कि स्लेवरी का रहा है वो रहा है डेब्ट, कि ये लोग कर्जा लेते थे, चुका नहीं पाते थे, और इनको बंधक बन के रहना पड़ता था, ठीक है। स्लेव्स वर नॉट एक्सप्लॉयटेड एंड हैड अ चांस ऑफ रिलीज फ्रॉम स्लेवरी। तो ये एक प्लस पॉइंट था कि स्लेव्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, उनको ज्यादा उनके साथ अत्याचार नहीं होता था। ऑल्दो ये सब कहने की बातें हैं, बट उनके पास एक चांस भी रहता था कि वो स्लेवरी से रिलीज हो जाए, ठीक है। तो बस इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस यूनिट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, इसको अच्छे से कर लेना। आई होप सो नोट्स समझ में आई होंगी, नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा 5 यूनिट की एक साथ, ठीक है, और जल्दी आ जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जो बेस्ट पार्ट लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो तो आएगी ही। प्यार बनाए रखिएगा, मैं वीडियो जल्दी जल्दी लाता रहूंगा, एंड आई होप सो मिलते हैं आपसे जल्दी ही। पढ़ते रहिए अच्छे से, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक इसमें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लव यू, बाय बाय, ठीक है।